कन्या तपे रसोई जेमन के फल नाए राजा। सारे कन्या तपे रसोई जेमन के फल नाए राजा। मैया कह रही है महाराज कुआरी कन्या जल भर लावे पी मन को फल नाय राजा। और कुआरी कन्या तपे रसोई जेमन को फल नाय राजा। कुआरी कन्या चौका लगावे कुआरी कन्या चौका लगावे पैर धरन के नाय राजा। कुआरी कन्या चौका लगावे पैर धरन के नाय राजा। कुआरी कन्या छैया सोवत धर्म घटे राजा। कुआरी कन्या अरे कुआरी कन्या करे विजैया सोवत धर्म घटे राजा। पहले करो ब्याह बाद को जब खइयो मेवा राजा। पहले करो ब्याह बाद को जब खइयो मेवा राजा। करो बाग को फिर कहियो मेरा राजा। रानी राजा समझाए रही है महलन में। रानी राजा समझाए रही है महलन में। अरे महलन में मैया महलन में बाछल महलन में। रानी राजा समझाए रही है महलन में। रानी राजा समझाए रही है वो सच्चे दरबार की जय। रानी के लिए महाराज जिस प्रकार हम कुआरी कन्या के हाथ का जल पान नहीं कर सकते उसी प्रकार हमारा बाग भी कुआरा है महाराज फल को नहीं खा सकते। आप महाराज सर्वप्रथम बाग का व्यवहार चाहिए उसके बाद हम बाग के फल फूलों को खाने के लिए रहेंगे। राजा जयवंश ने ब्राह्मण को बुलवाया के लिए ब्राह्मणों हमें अपने बाग का व्यवहार रचाना आप शुभ मुहूर्त देख करके बताओ। ब्राह्मण लोग के लिए महाराज एकादशी को मारो द्वादशी को विवाह। राजा जयवंशिक ने ब्राह्मण दक्षिणा देकर के विदा कर दिया। धीरे धीरे वही समय आ जाता है वाक्य विवाह का। राजा जयवंशिक वाक्य विवाह के नोते लगवाने लगे भाई बंधुओं में रिश्तेदारों में कुटुंबियों में नोते लगवाने लगे। एक दिन की बात मैया बा छिड़कनी महाराज आपने कहां कहां नोते भिजवाए जरा मुझे बताओ। तो मैं राजा जयवंशिक के रानी हमने सभी जगह नोते भिजवा दे लेकिन मुकुल चाचा इन माता बहन ने अपने पियर की ज्यादा लगी रही था मालूम है कि मेरा भैया बुलायो ना बुलायो। अच्छा अभी मेरी बड़ी भाभी तक कही है ना कही। अच्छा भैया ना पूछ रहो भैया ना पूछ रहो तू मेरा भैया है। रानी कहली महाराज जरा तुम वहां लिस्ट तो दिखाओ तुम्हारी लिस्ट कहाँ है। कौन सी धागा नोते बेसी लगवा दे तुमने। तो मैया वासी कहली महाराज धर के लिस्ट पढ़ी रानी ने ना नाम पिहर को आयो है। जे हो तुम तो सैया चतुर बड़े और धोखो हमने खायो है। महाराज तुमने तो मुझे धोखा ही दे दो जी बताओ मेरे बाप ते मेरे भैया ते मेरी माँ ते तुम्हारी क्या साल की लड़ाई चली जा रही है। सबंते पे गाते ही तुमने यहाँ तक लेके शासनी तक जी मारे नो तो ना भिजवायो। अच्छा मास्टर आज मैया वासी रुष्ट हो जाती के लिए महाराज जो तुमने ना बुलाए हमारे हो। तो खाम ना पामेंगे तुम्हारे जे महाराज तुम्हारे पत्तल भुड़ुआ सब लड़के लड़के डोलेंगे डोलेंगे सबरे आंगन में। और जे बात हकीकत अगर इनके पिहर तो बुला ले तो सभा पेड़ तो फिर इनको। अच्छा कल देख रहे चाची दो दे यहाँ भाग रही है वहां भाग रही है ऐसी अच्छा। बात अरे तेरी पिंकी चाची भजी डोल रही एकदम जालंग बालंग। आज मैया बात से रुष्ट हो जाती राजा के रानी आप सवा रुपया हाथ उठाओ जे हो और भात नोतने जल्दी जाओ। रानी आप भात भी नोताड़ा निमंत्रण भी दे आना। आज मैया बाछे संघ की सहेली को लेकर के अपने पिता के द्वार में पहुंच जाती है। कैसे मासा और मंगल चारे गाने लगी पहुंच करके कैसे अरे तेरे मंदिर चली आई रे भैया भात नौतवे आई रे भैया भात नौतवे आई। मैं तेरे मंदिर चली आई रे भैया भात नौतवे आई रे वीरन भात नौतवे आई। जय हो
रोटी ना है खाई भैया पानी ना है पियो, रोटी ना है खाई मैंने पानी ना है पियो, रोटी ना है खाई भैया पानी ना है पियो, रोटी ना है खाई मैंने पानी ना है पियो। वो तो भैया वहां जमाने की बात रही, मगर मैया बाछल कह रही कि भैया ना रोटी खाई मैंने ना पानी पियो, क्योंकि हमारी माता बहन दोज पर रक्षाबंधन पर जाती है तो व्रत में जाती हैं। अब तो खा के आते हैं मोमोस, खा के आते हैं हरदेवगन जी। कहाँ पर तो कितनी देर लगाई भैया ने, मालिक बड़ी भैया लेकर चलो गाड़ी लेके आती ना तो कहते करेगी। इसलिए मैया कह रही थी भैया अरे रोटी ना है खाई भैया पानी ना है पी, अरे रोटी ना है खाई मैंने पानी ना है पियो, राम जपत चली आई रे भैया भात नौ तने आई रे भैया भात नौ तने आई, हे मंदिर चली आई रे भैया भात नौ तने आई रे भैया भात नौ तने आई। जय हो। लड़ुआ ना लाई भैया पेड़ा ना लाई, लड़ुआ ना लाई मैं तो पेड़ा ना लाई, लड़ुआ ना लाई भैया पेड़ा ना लाई, लड़ुआ ना लाई भैया पेड़ा ना लाई। हाँ जी अजी बताओ, भात नौते में जाते लड्डू लेके जाते पेड़ा लेके, अरे बालू सही लेके जाते हैं। सुनो कहाँ कह रही है तुम्हारी भाभी, कहाँ कह रही है नौ सवारी रसगुल्ला ले गई, अरे बेला लेके गई ये डोसा बल्ला। अच्छा हाँ मैया कह रही भैया लड़ुआ ना लाई भैया पेड़ा ना लाई, अरे लड़ुआ ना लाई मैं तो पेड़ा ना लाई, तो कहा लेके आई हाँ, अरे गुड़ को भेला जय भैया भात नौतने आई रे भैया भात नौतने आई, ए तेरे मंदिर चढ़े आई रे भैया तोए लोथ वे आई रे भैया तोए दोथ वे आई। बोली सच्चे दरबार की जय। आज मैं